हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मालवीय एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप जो है अपना आयुष्मान भारत योजना का कार्ड बनाना चाहते हैं लेकिन आपका जो है आयुष्मान भारत योजना की लिस्ट में नाम नहीं है, जिससे कि आप जो है आयुष्मान भारत योजना का जब भी कार्ड बनाने जाते हैं आपको नो बेनिफिशियरी फाउंड इस तरह का आपको जो है नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है और आप जो है आयुष्मान भारत कार्ड की स्कीम के लिए अपना एप्लीकेशन नहीं कर सकते। सो दोस्तों, आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट की से जो है आयुष्मान भारत योजना में जो है नाम जोड़ने के लिए नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप जो है अपना आयुष्मान भारत योजना में नाम जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आयुष्मान भारत योजना में आप जो है किस तरह से नाम जोड़ेंगे उसका कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में इस वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप जो है डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हैं pmjy.gov.in, ठीक है ना। तो आप जो है इस वाली वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। अब दोस्तों, यहाँ पर आ जाने के बाद आपको जो है आयुष्मान भारत योजना का कुछ इस तरह का इंटरफेस पेज देखने के लिए मिल जाएगा। यहीं पर आपको जो है काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं हाउ टू यूज आयुष्मान एप्लीकेशन, जैसे कि आयुष्मान एप्लीकेशन को आपको कैसे यूज करना है, कैसे आयुष्मान एप्लीकेशन से आपको जो है अपना आयुष्मान भारत का कार्ड बनाना है, इस पर जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो एंड स्क्रीन में आपको जो है मिल जाएगा, या आप जो है इजिली हमारे चैनल पर जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर आप जो है अपनी एलिजिबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं, अपना आयुष्मान कार्ड भी बना सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जो है आयुष्मान भारत योजना में मेंबर एड करेंगे, मतलब अगर आपका नाम आयुष्मान भारत योजना में नहीं है तो उसके लिए आप जो है यहां पर किस तरह से रिक्वेस्ट डालेंगे वो प्रोसेस मैं आपको जो इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो उसके लिए यहीं पर आपको जो है लास्ट में एक जी बना हुआ ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ग्रीवियंस पोर्टल का, आपको जो है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो आपको जो है इस वाले पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर आपको जो है कुछ ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि चेक योर एलिजिबिलिटी, मतलब यहां से आप जो है अपनी एलिजिबिलिटी को भी चेक कर सकते हैं, रजिस्टर्ड योर ग्रीवियंस, ठीक है ना। तो अभी आपको यहां पर सिंपली करना क्या है, रजिस्टर्ड योर ग्रीवियंस इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपको थोड़ा सा यहां पर वेट करना है, ठीक है ना। अब यहां पर आपसे जो है पूछा जाएगा कि ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन फॉर, किस लिए आप जो है ग्रीवियंस को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो यहां पर आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है PMJAY, मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हमको जो है ग्रीवियंस को रजिस्टर्ड करना है। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, रजिस्टर्ड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म खुलकर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, इस वाले फॉर्म को आपको जो है फिल करना है, तो कैसे फिल करना है चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है ग्रीवियंस बाय, किसके द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। तो हम जो है बेनिफिशियरी हैं, खुद से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिशियरी को सिलेक्टेड रहने देना है। यहां पर केस टाइप आपको सिलेक्ट करना है, कंप्लेंट करना है, इंक्वायरी करना है, रिक्वेस्ट करना है। तो हमको जो है आयुष्मान भारत योजना में अपना नाम जुड़ाने के लिए रिक्वेस्ट करना है, तो आपको जो है रिक्वेस्ट वाले बटन को टिक आउट कर देना है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप जो है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इनरोल्ड है, तो अगर आप नहीं है तो आपको सिंपली नो वाले ऑप्शन पे टिक आउट करना है। उसके बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन और देखने के लिए मिलेगा, इस पे भी आपको जो है सिंपली नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको बेनिफिशियरी का नाम लिखना है, जिसका नाम आपको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जोड़ना है, ठीक है ना। उसका जेंडर आपको यहां पर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर इस कैलेंडर के माध्यम से एंटर कर लेनी है, कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहां पर एंटर कर देना है, स्टेट आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं आप यहां पर रिक्वेस्ट को एड कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो यहां पर हमने डिस्ट्रिक्ट भी चयन कर लिया। एड्रेस आपको यहां पर फिल कर देना है, ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है तो आप यहां पर डालेंगे, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर ग्रीवियंस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट आपको करना है, तो आपको जहां पर भी अपनी बात को पहुंचाना है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस नोडल अधिकारी को पहुंचाना है, या जो है आपको स्टेट ग्रीवियंस नोडल अधिकारी को पहुंचाना है, आपको वो यहां पर सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो स्टेट है उसको भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहां पर आप जो इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ ग्रीवियंस में यहां पर आप जो है एलिजिबिलिटी को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारा जो है पात्रता अभी तक नहीं आ रहा है और हम चाहते हैं पात्रता को एड करना, तो आपको एलिजिबिलिटी को यहां पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहां पर आप जो है अपने ग्रीवियंस का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, अगर
देना चाहें तो 3000 कैरेक्टर में आप जो है मैक्सिमम दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, या तो आप जो है सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेरा नाम जो है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं है और मैं अपना नाम जो है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जुड़वाना चाहता हूँ, तो मेरा नाम जो है आयुष्मान भारत योजना में जोड़ने की कृपा करें। इस तरह से आपको जो है अपना ग्रीवियंस यहाँ पर एड कर देना है। उसके बाद जो भी आपके पास में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में गरीबी रेखा का राशन कार्ड है या आपके पास में BOC वर्कर कार्ड है, तो उसको आप यहाँ पर जो है अपलोड करेंगे, जिससे कि नोडल अधिकारी को पता चल सके कि आप जो है यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल है और वो आपका नाम यहाँ पर एड कर सके, ठीक है ना। टर्म को आप जो है इस तरह से चिकमार्क करेंगे, सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया है उस पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आपको OTP नहीं मिलता है तो आप जो है चेक योर रिसेंट OTP ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिससे कि आपको जो है दोबारा से OTP भेजा जाएगा। अभी हमारे पास OTP आ चुका है, हम OTP को यहाँ पर फिल कर देते हैं एंड वैलिडेट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर आपका जो रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली एड कर दिया गया है और आपको यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको जो है इस रेफरेंस नंबर को जो है अपने पास में नोट करके रख लेना है। अभी आप जो है सिंपली ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का कंप्लीटली आपका फॉर्म का रिव्यू आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। आप जो है यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको जो है आपकी स्थिति को ट्रैक करना है कि आपने जो एप्लीकेशन किया था उसकी स्थिति कहां तक पहुंची है, तो उसके लिए आपको यहां पर जो है ट्रैक योर ग्रीवियंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आएगा। यहां पर जो रेफरेंस नंबर आपको मिला था वो रेफरेंस नंबर एंटर करना है, सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो एक बार फिर से आपका जो मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया था उस पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP आपको यहां पर फिल करना है एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको जो है आपकी स्थिति कम्प्लीटली पता चल जाएगी कि आपका जो ग्रीवियंस है कहाँ तक पहुंचा है। तो यहाँ पर आपको जो है आपके फॉर्म की कम्प्लीटली स्थिति पता चल जाएगी कि आपका जो फॉर्म है कहाँ तक पहुंचा है। अगर आपका नाम जो है आयुष्मान भारत योजना में जुड़ जाता है तो फिर आपको जो है यहीं पर बता दिया जाएगा और आपको जो है जो मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया था उस पे आपको जो है मैसेज के माध्यम से भी बता दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अपना नाम जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट एड कर सकते हैं। कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।